लंबोदर विघ्नहर्ता गणपति गजानन एक दंत आदि नामों से पुकारे जाने वाले गणेश जी को किसी भी शुभ कार्य में सर्वप्रथम पूजा जाता है। गणेश जी के विषय में अनेक रोचक बातें हैं, जैसे गणेश और परशुराम का युद्ध, गणेश जी का अपनी माँ पार्वती के प्रति परम आज्ञाकारी होना आदि। इन तथ्यों पर हम अपने अनेक वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज हम आपको बताएंगे कि क्यों गणेश जी ने देवाधिदेव महादेव को ही युद्ध के लिए ललकार दिया था। यह देख महादेव भयंकर क्रोधित हो उठे और गणेश जी पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया। नमस्कार मित्रों, आइए द डिवाइन टेल्स की इस कड़ी में जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, गणेश जी ने अपने ही पिता को युद्ध के लिए क्यों ललकारा और महादेव ने अपने पुत्र पर क्यों वार किया। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि द डिवाइन टेल्स की वीडियोस अंग्रेजी में देखने के लिए आप द डिवाइन टेल्स इंग्लिश चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। किसी साधारण व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता कि शिव जी को युद्ध के लिए ललकारे। गणेश जी के ऐसा करने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। दरअसल एक बार माँ पार्वती ने पाया कि शिवगण नंदी ने उनके आज्ञा पालन में त्रुटि की है, जिसके परिणाम स्वरूप पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक पुतले का निर्माण किया और इसमें प्राण और पंचतत्व डालकर एक आकर्षक रूप प्रदान किया। यह पुतला एक सुंदर बालक में परिवर्तित हो गया। पार्वती ने इस बालक से कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, तुम गणेश के नाम से जाने जाओगे। माता ने कहा कि तुम केवल मेरी आज्ञा का पालन करोगे। इसके पश्चात माँ पार्वती ने एक गुफा में प्रवेश किया और गणेश को आदेश दिया कि वो उनके द्वारपाल बन अपने कर्तव्य का पालन करें और किसी को भी गुफा में उनकी आज्ञा के बिना प्रवेश ना करने दें। गणेश जी माता की आज्ञा का पालन करते हुए पहरा देने लगे। कुछ समय पश्चात माता गुफा में स्नान करने लगी, तभी वहां महादेव शिव पधारे। गणेश जी ने उन्हें रोकते हुए कहा कि मेरी माता का आदेश है कि कोई भी इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए जब तक उनकी आज्ञा नहीं होगी आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी को क्रोध आया और उन्होंने गणेश जी से कहा कि मूर्ख बालक, तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ, तू मुझे प्रवेश करने से नहीं रोक सकता। गणेश जी ने उत्तर दिया कि आप चाहे जो भी हो, माता की आज्ञा के बिना मैं आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। शिव जी ने पुनः कहा कि जिन पार्वती का तू पहरेदार है मैं उनका पति शिव हूँ, परंतु कर्तव्य का पालन करते हुए गणेश जी अपनी बात पर अडिग रहे। तब शिव जी ने वापस जाकर अपने गणों नंदी, वीरभद्र आदि को उस बालक को समझाने के लिए भेजा। सभी ने जाकर बालक को समझाते हुए शिव जी की महिमा बताई, परंतु गणेश जी ने कहा कि मैं किसी भी प्रकार अपनी माता की बात का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। जब शिव गणों ने बालक के हठ के विषय में जाकर शिव जी को बताया, तब शिव जी ने क्रोधित होकर कहा कि उस बालक को सबक सिखाओ। सभी शिवगण अस्त्रों और शस्त्रों के साथ बालक के साथ युद्ध करने पहुँचे। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने विभिन्न रूपों को आदेश दिया कि गणेश जी की रक्षा करें और अपनी शक्तियाँ उनको प्रदान करें। शिवगणों और गणेश जी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, साथ ही कुछ देवता भी गणेश से युद्ध के लिए पधारे, परंतु गणेश जी से परास्त होकर सबको वापस जाना पड़ा। शिवगणों ने महादेव से जाकर कहा कि हे प्रभु, वो कोई साधारण बालक नहीं है, उसने अपनी शक्तियों से हम सभी को परास्त कर दिया है। शिवजी यह सुनकर दंग रह गए और भयंकर क्रोध से भर गए। तब महादेव अपने गणों के साथ वहां पहुंचे और फिर से बालक को चेतावनी दी। इस पर गणेश जी ने शिव जी को ही युद्ध के लिए ललकार दिया। ऐसा दुस्साहस देख शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को पता चला तो वो भयंकर क्रोध से भर गई और उन्होंने अपनी सभी शक्तियों को प्रकट कर प्रलय मचाने का आदेश दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सभी ऋषिगण माता से प्रार्थना करने लगे। तब पार्वती ने कहा कि जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाता तब तक चारों ओर ऐसी ही तबाही मची रहेगी। यह सुन सभी देवताओं और ऋषियों ने शिव जी से विनती की कि वो गणेश को पुनर्जीवन दे, अन्यथा सर्वनाश हो जाएगा। तब शिव जी ने हाथी का सिर काटा और गणेश के धड़ पर लगा दिया और इस प्रकार गणेश जी पुनः जीवित हुए और गजराज के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके पश्चात शिव जी ने अपने पुत्र गणेश को आशीर्वाद और वरदान देते हुए कहा कि तुम संपूर्ण सृष्टि में सर्वप्रथम पूजे जाओगे और तुम्हें बुद्धि का देवता कहा जाएगा।
तो मित्रों, इसके साथ समाप्त होती है हमारी आज की कड़ी। आशा है आपको यह कड़ी पसंद आई। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए द डिवाइन टेल्स के साथ। नमस्कार।